हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो जय माता दी, जय जगदम्ब। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो एक प्रश्न आता है कि नवरात्रि आपकी पूरी हो गई, व्रत आपका पूरा हो गया, तो कलश विसर्जन विसर्जन कैसे करें, किस दिन करें? तो अलग अलग मत हैं, लेकिन विसर्जन दसवीं के दिन करें, नौवीं के दिन नहीं। आपके नौ दिन की जो व्रत था वो पूरा हुआ, जो आपने अनुष्ठान किया था वो पूरा हुआ, तो उद्देश्य आपका पूरा हो चुका है, लेकिन आपको विसर्जन दसवीं के दिन ही करना है। तो इस बार आप विसर्जन कर रहे हैं शुक्रवार के दिन। गुरुवार को आपकी नवमी है और दसवीं शुक्रवार की है। तो विसर्जन हवन के पश्चात, हवन आप नवमी को भी कर सकते हैं, दसवीं को भी कर सकते हैं, अधिकांश लोग नवमी को करेंगे। तो नवमी में आप हवन कर लीजिए और दसवीं तिथि को करना है विसर्जन। विसर्जन में क्या करें, कैसे आरंभ करें? देखिए, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, एक नियमावली होती है। जिस तरह आप स्टार्ट किए हैं प्रोग्राम को ले जाने के लिए, उसी तरह खत्म करेंगे नियमावली को लेकर। तो पहले माता का पूजन करें, माता को भोग लगाएं और आरती करें, अगरबत्ती चंदन जितनी भी सारी क्रियाएं हैं करें, और उसके बाद माता से क्षमा मांगें। क्योंकि देखिए, हम आप माता की स्तुति नहीं कर सकते, हमारी आपकी छोटी सी मेधा है और माँ का विराट स्वरूप है, पूरा ब्रह्मांड उनके रोम रोम में कई ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे हैं। तो ना तो आप मंत्र जानते हैं, ना यंत्र जानते हैं, ना पूजा जानते हैं, ना विधि जानते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, जैसा भी मुझसे टेढ़ा मेढ़ा बन सका मैंने किया, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं कौन होता हूँ करने वाला, आपने ही जैसा आदेश किया वैसे मैंने किया। इसके पश्चात आप पुष्प अर्पण करिए, फिर धीरे से चौकी हिलाइए। चौकी पर अगर आपने स्थापित कर रखा है तो सबसे पहले धीरे से चौकी को हिलाते हैं कि माँ अब आप जहाँ से आए हैं वहाँ के लिए प्रस्थान करिए। सूक्ष्म रूप में विराजमान रहिए, सूक्ष्म रूप में विराजमान रहिए, लेकिन आप कृपा की नौ दिन के लिए आप समय निकाल के आए, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बारंबार प्रणाम, कोटशाह प्रणाम। लेकिन अब आप थोड़ा सा यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थाप, चाहे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या किसी मंत्र का, स्वर मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके श्रीनेत्र त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते देवी प्रणाती, किसी भी मंत्र का आप जाप करते हुए हिला सकते हैं। इसके पश्चात आप कलश को, कलश के पास आना है, तो कलश में सबसे पहले क्या करना है, नारियल हटाए। नारियल क्या है, श्रीफल है। नारियल हटा के कहाँ रखेंगे? तो भाई, नारियल लक्ष्मी जी का प्रतीक है और आपके घर में आपके जो जीवन संगनी है वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, तो नारियल को उनके आंचल में प्रदान करें, नारियल को उनके आंचल में प्रदान करें, और क्योंकि वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को लक्ष्मी के पास जाने दीजिए। उसके पश्चात फूल माला को हटाएं, एक बर्तन ले लें साफ सुथरा, उसी बर्तन में धीरे धीरे रखते जाएं। तो फूल माला को हटाएं, फिर जो आपने उसके पश्चात फूल माला हटाने के पश्चात आम्रपल पत्र है, आम्रपत्र को धीरे से हटाएं। आपने अनाज की चावल की कटोरी रख रखी है तो चावल को धीरे से हटा लें, कुछ लोग रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते। अब ये जो आपका नारियल है इसको क्या करें, तो कुछ लोग इसको तोड़ लेते हैं और कुछ लोग इसको रख लेते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि चूँकि श्रीफल है, माता का आशीर्वाद है, तो इसको तोड़िए नहीं, इसको रख लीजिए। आपको रखने के लिए अपने जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, अपने आप भंडार में रख सकते हैं, अन्न भंडार में रख सकते हैं, किचन रूम में रख सकते हैं, या जहाँ पे आप द्रव्य दक्षिणा रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी जी को सही स्थान दीजिए। तो जो लोग तोड़ लेते हैं उनके यहाँ अगर परंपराएं हैं तोड़ने की, तो वैसे आप नवमी के दिन एक एक्स्ट्रा चढ़ाइए, उसको तोड़िए, प्रसाद बांटिए, लेकिन इस नारियल को लक्ष्मी जी का प्रसाद समझ के आप अपने घर में रखिए। उसके बाद अनाज वाली कटोरी उठाइए, फिर कलश के जल को आप थोड़ा सा निरीक्षण करिए, देखिए आपको ऐसा एहसास होगा माता का प्रतिबिंब कलश में, कलश के पानी में झलक रहा है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुराता मुस्कुराती हुई प्रतिमा नजर आएगी अगर आप भाव से देखें तो। भाव की पूजा है, फिर उसको आप जल को लें, थोड़ा सा जल आप जो है पूजा स्थल पे थोड़ा सा छिड़कें। उसके बाद सबसे पहले किचन रूम में, क्योंकि किचन रूम लक्ष्मी जी का मूल स्थान है, वही तो घर, वहीं से तो घर चलता है, तो उसको पवित्र करें। उसके बाद सभी स्थानों पवित्र करें, अब बच जाता है तो कहीं कहीं कहा जाता है, शास्त्रकारी कहते हैं बचे हुए जल को सूर्य को अर्पित कर दें। अगर आप नहीं अर्पित कर सकते तो आपके यहाँ गमला वगैरह है, गमले में अर्पित करें,
पेड़ पे पीपल के पेड़ पे अर्पित कर दे, उसको इधर उधर ना फेंकें क्योंकि बहुत पवित्र जल है, बहुत पवित्र जल है वो। अब उसके पश्चात आपने उसमें जो गांठ हल्दी की गांठ मिलेगी, तो हल्दी का गांठ का क्या करेंगे, उसमें आपको एक रुपए का सिक्का मिलेगा, एक रुपए के सिक्का आपको क्या करेंगे, तो हल्दी का गांठ आप अपने अन्न भंडार में रखें, हल्दी की गांठ अन्न भंडार में रखें, चावल में रखें, दाल में रख दे, इससे क्या होगा आपके यहाँ अन्न की कमी कभी नहीं होगी, माँ अन्नपूर्णा सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। एक रुपए या दो रुपए का जो सिक्का है उसको संभाल के रखें, लाल कपड़े में बांधें, वही हल्दी गांठ उसे थोड़ा सा हल्दी लगा के उस पर लगाएं या रोली वगैरह लगा के उसको लक्ष्मी जी का प्रसाद समझ के उसको आप अपने तिजोरी में रखें। याद रखें कि वो पैसे को खर्च ना करें, इससे आप देखेंगे कि आपके पास बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, माने पैसे की वृद्धि शुरू होगी, उसको खर्च नहीं करना है, उसको आप अपने जीवन संगनी को दे सकते हैं क्योंकि जीवन संगनी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। अब मिट्टी का बर्तन है तो आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं, अगर आपने अपने तांबे के लोटे में पीतल के लोटे में कलश बनाया हुआ है तो उसको आप अपने पूजा स्थल के लिए उपयोग करिए। कलश का जो कलावा होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, 9 दिन की जो पूजा आराधना है उसकी शक्ति उसमें समाहित हो जाती है, तो कल वो जो कलश का बंधन है मौली है उसको आप अपने हाथ में बांध सकते हैं या अपने बच्चों के हाथ में बांध सकते हैं, गले में माला बना के पहना सकते हैं, वो उसका बहुत दूरगामी असर पड़ेगा। अब आम के पत्ते, तो अगर आम के पत्ते आपके हरे हैं तो उन पत्तों को निकाल के आप घर के दरवाजे का तोरण बना सकते हैं, तो आपके घर में शांति रहेगी और अगले नवरात्र कम से कम 6 महीने नकारात्मक ऊर्जाएँ आपके घर में प्रवेश नहीं करने पाएंगी। तो आम्रपल्लव का मुख्य द्वार पे आप तोरण बनाएं, या अगर मान लीजिए पत्ते आपके सूख गए हैं तो उनका आप विसर्जन कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। पान सुपारी लौंग इलायची, तो पान तो आपका सड़ जाएगा लेकिन सुपारी लौंग इलायची इसको आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, इसको फेंके नहीं, प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, या आपके यहाँ कभी अतिथिगण आते हैं गुरु जी आते हैं तो उनको आप प्रदान कर सकते हैं। नारियल के लिए मैंने बताया नारियल तोड़ने से परहेज करना चाहिए, हाँ आपके यहाँ परंपराएं क्या कहती हैं वो एक अलग बात है, तो मेरे तरफ से तो नारियल ना तोड़ा जाए, बाद में एक वस्त्र बचा, वस्त्र का क्या करें, तो जो आपने अभी तक सारी सामग्रियां थाली में निकाल रखी हैं, फूल हो गए, आपके दूरवा हो गए, आपके रोज़ के माला हो गए, जो बची हुई सामग्रियाँ हैं उसी कपड़े में बांधिए, आप उस कपड़े को लीजिए और आपके अगल बगल 2, 4, 6, 10 किलोमीटर में तालाब है, बहता हुआ जल है, तो वहाँ पे जाके माता को प्रणाम करते हुए उसको प्रवाहित करके आइए, उसको प्रवाहित करके आइए। ये विसर्जन का एक सही तरीका है, हरदम याद रखिएगा, ना तो मैं मंत्र जानता हूँ, ना यंत्र जानता हूँ, ना स्तुति जानता हूँ, ना आवाहन जानता हूँ, ना विसर्जन जानता हूँ, इस भावना के साथ काम करिएगा तो माता रानी सदैव आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि माँ है, माँ माँ होती है, पिता एक बार आपको आपकी गलती के लिए पनिशमेंट दे सकता है, माँ आपको माफ करती चलेंगी। तो चलिए आप सब लोगों के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामना, जय माता दी, जय जगदम्ब, हर हर महादेव।